गरियाबंद में धान खरीदी केंद्रों में पूजा अर्चना के बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों ने धान खरीदी प्रारंभ की है। धान खरीदी शुरू होते ही क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में धान बेचने धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति फिंगेश्वर के अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की धान समर्थन मूल्य में खरीदने के लिए समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का वादा किया है। बता दें फिलहाल अभी किसानों की धान 1835 और 1815 रुपए प्रति क्विंटल दर पर खरीदी जा रही है और शेष राशि सरकार जल्द ही किसानों को देगी। 1815 और 1835 रुपया एक रेट का धान जो है उसका समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, लेकिन जो अंतर की राशि है 2500 रुपए घोषणा किए हैं उसके हिसाब से अंतर की राशि बाद में देंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान जो है अपनी धान को बेचने के लिए यहाँ मंडी पहुंच चुके हैं। आज 1 दिसंबर से सरकार द्वारा किसानों के धान को समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है, इसको लेकर जो है किसान अब जो है मंडी पहुंच रहे हैं। आज पहला दिन है, आज शुभारंभ किया गया है, किसान अपनी धानों को लेकर मंडी पहुंचेंगे और किसानों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं एक और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का, वो वादा पूरा करने की बात जो है यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं। हालांकि अभी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में जो है 1835 1815 इस मूल्य में धान खरीदे जाएगा और जो बाकी शेष जो राशि है उसको बाद में किसानों को दिया जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। और आप तमाम देख सकते हैं कि किसान बड़ी तादाद में अब जो है मंडी पहुंचना शुरू कर दिए हैं और अपने धान को जो है बेच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ा जो है आज शुरुआत होते ही किसान जो है मंडी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मशरूख इमरान, भास्कर न्यूज, गरियाबंद। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी